हेलो एवरीवन, दिस इज़ AK22। आप सभी का स्वागत है आर्क सर्वाइवल वर्ल्ड के एक और एपिसोड में। और आज का एपिसोड कुछ स्पेशल है क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं एक कैनन और एक कैनन बॉल, और हम ट्राई करेंगे एक हाई लेवल ब्रॉन्टो को टेम करने का, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि आप हाई लेवल ब्रॉन्टो हो तो कैनन बॉल से उसको डाउन कर सकते हो, और उसकी तैयारी मैंने शुरू कर दी है। ये देखो, यहाँ पर हमारा आयन स्मेल्ट हो रहा है हमारे इंडस्ट्रियल फोर्ज में, और यहाँ पर मुझे इसको स्टार्ट करना है क्योंकि यहाँ पर मुझे बनाना है गन पाउडर जिससे कैनन बनती है, कैनन बॉल बनती है। मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ हमारे जनरेटर को, देन पावर्ड है ना ये, क्या लगता है और इसके लिए रुकर का नहीं, एक्सेस इन्वेंट्री पावर्ड तो है ये, फिर मैं क्रिएट कैसे करूँ इसको, व्हाट रिसोर्स इनटू द रिक्वायरमेंट, पावर रिक्वायर्स गैसोलीन एंड पावर, ओके डाल दिया हमने गैसोलीन। अब इसको स्टार्ट करो, ठीक है। सबसे पहले मुझे बनाना है ये स्पार्क पाउडर, इसके लिए और लगेगा, ठीक है। और फिर हम बनाएंगे यहाँ से हमारा गन पाउडर, और गन पाउडर्स और मेटल सब चीज़ों को मिला के बनता है, और इतना सारा रखा हुआ है मेरे पास पहले से, ओके। तो ये बन रहा है, इधर हमारा फोर्ज हो रहा है, तो दोनों जो है कैनन बॉल और बॉल, ये वाली देखो, ये है कैनन, नहीं कहाँ गई कैनन, कैनन ये रही। तो इसके लिए मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया। सीमेंटिंग पेस्ट आपको 300 चाहिए रहता है, फाइबर 200, फाइबर मेरे को लेकर आना पड़ेंगे, हाइड 150, मेटल सबसे ज़्यादा 950 चाहिए रहता है, और थैच थोड़ी सी हम फाइबर लेकर आते हैं, ठीक है। और इसको मैं सेटअप करने वाला हूँ हमारे किस पे, क्वाड्जल पे, क्वाडी बॉय डायमंड पे, ओके। तो ये आ गया फाइबर, कैनन बॉल, यस क्राफ्ट वन, कैनन बॉल नहीं कैनन, और ये क्राफ्ट हो गई। तो ये स्टेशनरी होती है, इसमें आपको दिखाता है कि व्हील्स हैं इसमें, पर व्हील्स इसको आप इधर उधर नहीं ले जा सकते। अ पावरफुल हैवी वेपन फॉर ऑफ वॉर, केपेबल ऑफ डिमोलिशिंग हैवी रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर्स, ओके। तो ये हमारा कैनन हो गया, अब मुझे बनाना है कैनन बॉल। सेकेंड रुको, इसका काम हो गया क्या, और बनाना है गन पाउडर में, और क्रिएट कर रहा हूँ। फ्लिंट ख़त्म हो गया क्या मेरे पास, यस भर भर के है हमारे पास गन पाउडर। हाँ, तो मुझे यहाँ से गन पाउडर निकाल लूँ, और बारिश शुरू हो गई, नाइस वेरी गुड, इसी की तो कमी थी, ओके। इनको ट्रांसफ़र करो गन पाउडर को, और कितनी बॉल्स बनानी है, हम चार बना सकते हैं क्योंकि इसके लिए मेटल चाहिए रहता है आपको 80, सबसे ज़्यादा इसमें आपको मेटल ही लगता है, ठीक है। 20 सीमेंटिंग पेस्ट आसान है, 30 गन पाउडर बहुत आसान है, ऑब्सीडियन चार बहुत आसान है, ठीक है। मेटल ज़्यादा लगता है आपको, 80 मेटल्स लगते हैं इसमें। तो मैं और क्रिएट करने वाला हूँ इसको, मैं लेकर आ जाता हूँ मेटल, मेरे शायद फैब्रिकेटर में रखे हैं, मेटल्स में रखा हुआ है, ठीक है। इसलिए आपको इसको संभाल के और बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए जहाँ पर भी आप बनाओ। इनका वेट देखना है मुझे, एक बॉल का वेट कितना रहता है, बाप रे बाप, एक स्लॉट लेता है। जाइगेंटिक बॉल ऑफ हैवी मेटल केपेबल ऑफ डिमोलिशिंग वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स, हेल ये 20 वेट है इसका, कितना है 20। तो मैं अब मुझे ब्रॉन्टो मिला है और बहुत हाई लेवल वाला मिला है, तो मैं ओके, तो मैं एक और बना लेता हूँ, तीन और बना लेते हैं। और मैंने ट्रैंकुलाइजर शॉक डार्ट्स भी रख लिए हैं, और हमारी गन भी तैयार है, एक जीपीएस भी, क्योंकि मुझे उसकी पोजीशन मैंने देखी थी किधर पे जाना है, ठीक है। बन गया, नाइस। अब कुछ चालू है, किसमें कुछ रखना है, कुछ बनाना है, तो मैं वो चालू करके चले जाता हूँ क्योंकि अभी हमारा ये वेस्ट हो रहा है इधर, ठीक है। तो मैं रुको, इंडस्ट्रियल ग्राइंडर फिर मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, रहने दो, हमको ये बिग स्केल पे बनाना चाहिए पता है। और हमारा फोर्ज भी हो गया है, मेरे पास मेटल नहीं रखा होगा, ओके। तो ये हो गया मेरा सेटअप, अब मैं इसमें से हमारी जितनी चीज़ें हैं वो ले लेता हूँ। सबसे पहले कैनन आ गई, ओके।
देन बॉल्स हम हमारी इन्वेंट्री में रखेंगे, देखते हैं इसका वेट कितना है। एक एक बॉल्स का, बाप रे बाप, मेरे क्वाज़ल का, मेरे डायमंड जो है उसका पता नहीं कितना वेट होगा। 1 2 3 4 5 6 ही ले जा पाऊँगा मैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा इसका। और ये बैरीज गिराओ यहाँ पे, बैरीज नहीं ले जा रहा, थैश नहीं ले जा रहा, ये नहीं ले जा रहा, ठीक है। जितना कम से कम वेट मैं रख सकता हूँ अपने ऊपर उतना रख के ले के जाएंगे हम। ओके दैट्स गुड। ओके तो नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग जो हमें करनी है, वो अब जाना है हमें हमारे, ये तो उठा ही नहीं पाएगा, मुझे नहीं उठा पाएगा पता था, बट ही जाओ, उतर ही जाओ हमारे ऊपर से। हमारा रॉबिन किधर है? यस रॉबिन, मैंने खाना भी ले लिया है। और ये आपको पता होगा मेरी जो बेस है जहाँ पर मेरा ब्रॉन्टो है, स्केली ब्रॉन्टो है, उसके पास में स्पॉन हुआ है वो हाई लेवल ब्रॉन्टो, ठीक है। ओके तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ और बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं हम, फिर यहाँ से चलेंगे। ओके ओके तो बारिश रुक गई है, मैं एक्सेप्शनल किबल लाना भूल गया था, वो भी मैंने ले लिया, क्योंकि अब हमारे पास जाइंट जाइंट एग्स निकलते हैं। कल ही हमने ब्रोंटो से 2 एग्स निकाले, हमने नहीं निकाले, उसने निकाले, हमने बस उठाए वहाँ से। ओके तो ये मेरा डायमंड है इधर, और होपफुली ये हमारा वेट कैरी कर ले। पहले सिकल अंदर रखो, बैठी जाओ बैठी जाओ। ओके तो मैं इसके जो ये है जो कैनन है हमारी, मैं वही यहाँ पर प्लेस करने वाला हूँ, ठीक है। मैं देख लूँ पहले इसका कितना आगे रखना चाहिए मुझे, परफेक्ट है। तो मैं ऐसा इसको अलाइन करूँगा और फिर मैं यहाँ से शूट कर सकता हूँ, तो कितने आगे ले जा सकता हूँ कि मैं स्पेस बचा सकूँ। नहीं हाँ इतनी, ठीक है। घुमाने का नहीं, घुमाने का नहीं, ठीक है। अरे ये हटाओ, हाँ एक तो ये हिल रहा है ना। हाँ नाइस, क्या मस्त लग रही है हमारी कैनन, गुड जॉब। देखा ये है कैनन, ये फर्स्ट टाइम मैंने बिल्ड करी है और फर्स्ट फाइल हमने लगाई भी कहाँ, हमारे क्वाज़ल पे। ओके अब मैं देखना है कि ये उठा सकता है कि नहीं। अरे उठा सकता है, अभी इसका वेट शुरू भी नहीं हुआ है, आराम से, ठीक है। अब मेरे पास कैनन बॉल्स हैं, डार्ट्स हैं, शॉक डार्ट्स हैं, और एक और चीज़ मुझे चाहिए है, वो है एक क्रायोपॉड। क्रायोपॉड मैं लेके जाऊंगा मेरे साथ में, क्योंकि वहाँ से मुझे उसको लेकर आना पड़ेगा। मेरा क्रायोपॉड मैंने शायद कहाँ पे रखा हुआ है, मेरे ख्याल से हमने हमारा क्रायोपॉड जो है वो रखा है हमारी बेस पर। एक क्रायोपॉड चाहिए क्योंकि मुझे ब्रोंटो को ले जाना पड़ेगा। नहीं मैं शिट, ये इसने मारा कि हमारा है? बाप रे, नहीं हमारा नहीं होगा, इसने मारा होगा इन कायलों ने। मेरा कैंट तो वो खड़ा हुआ है, हाँ हो रहा जी जी, डर गया था मैं एकदम से, व्हाट द हेक ड्यूड। ओके तो इधर रखा होगा एक क्रायोपॉड मेरे पास, हाँ ये रहा, नाइस नाइस, गिव मी दैट। 2 ले लेता हूँ मैं, इसका वेट ज़्यादा नहीं है ना, 2 क्रायोपॉड ले रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से मैं ब्रोंटो को लेकर आऊँगा और किसको लेकर आ सकते हैं, हाँ क्वाज़ल भी लेकर आना है मुझे कैनन के साथ। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसको क्वाज़ल को मैं उसमें घुसाऊँगा, तो वो स्ट्रक्चर रहेगा साथ में कि टूट जाएगा? मेरे ख्याल से टूट जाना चाहिए, नहीं तो आपके पॉकेट में आपका घर रहेगा। सोचो क्वाज़ल को आपने आपके इसमें दिखाया, वैसे तो सैडल भी गिर जाती है इसकी ना, मेरे ख्याल से सैडल भी बाहर गिर जाती है, तो कुछ भी नहीं ले जा सकते आप। ओके मेरे पास ये आ गया है, नाइस। अब मुझे कहाँ जाना है, हमें एकदम अक्रॉस द मैप उस तरफ जाना है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। उस तरफ था कि किस तरफ था, इस आइलैंड पे था वो, ये जो आइलैंड दिख रहा है आपको, इसके आगे वो छोटी सी लाइन निकली हुई है, वहाँ पर था, वहाँ पर तो मैंने दूसरा देखा था, वो था कुछ 89 लेवल का था, और ये वाला शायद 100 प्लस का है, ठीक है। यहाँ से सीधे जाएंगे हम क्रॉस नीचे, ये होगा कुछ 20 के आसपास कहीं पर था ये, ठीक है। लेट्स गो देन। ओके तो ये आ गया है, अब मैं आपको मिलता हूँ वहीं पर ही जहाँ पर हमारा ब्रोंटो है। ओके okay?
और मैं अपने ट्रैविस को लेके चलता हूँ हमारे साथ में, इसकी ज़रूरत है हमें। नहीं, रॉबिन को। रॉबिन फॉलो, लेट्स अ गो। नाइस, तो मैं इसका अभी और वेट बढ़ाता हूँ। हेल्थ तो है इसकी, मैं धीरे धीरे इसका वेट भी बढ़ाते रहूँगा। नाइस, हमारा टैंक जा रहा है। दिस इज आर टैंक। गुड जॉब कॉजल। डायमंड, सॉरी, बस इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही 5 झरने की, हमने तो पहले कभी सुनी नहीं इतनी आवाज़। चलो मैं आपसे वहीं पर मिलता हूँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगने वाला है और इसका स्टैमिना भी अच्छा खासा है, ज़्यादा डिप्लीट नहीं हो रहा है। बस इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी कम रहती है। मूवमेंट स्पीड इसकी 150 है, पर इसकी हाइट इसके हिसाब से बहुत ठीक है, मतलब। ओके ओके, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ और अब मुझे क्या करना है। अब यहाँ पर मैं इस तरफ ही है, इस तरफ एक फीमेल ब्रॉन्टो है जो 45 लेवल की है, और जो हमारी मेल ब्रॉन्ट क्या एक और फीमेल है वो उस तरफ है। देखो यहीं पर ही होगी, ये रही। इसका लेवल जो है वो है कितना है, 1 नहीं 42 है। ओके, तो यहाँ पर मेरी नीचे बेस है, तो यहाँ पर मैं बैठाऊँगा हमारे इस रॉबिन को। सिट ओवर हियर रॉबिन, तक हम काम हमारा करके आते हैं। ओके, विल बी बैक। गुड बॉय। ओके, मैं थोड़ा सा रिचार्ज कर लेता हूँ, और एक और चीज़ की मैं लोड अप कर देता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने पहले चलाया ही नहीं है और मुझे पता भी नहीं है कि ये इसको क्या करती है। देखो, फायर का ऑप्शन आ रहा है, बस इसके पास खाना है कि नहीं। खाना दे दूँ, खाना। नाइस। ओके, मैंने 4 कैनन इसके इसमें रख दी, इसके इन्वेंट्री में। ठीक है, रिचार्ज हो गया है ये। अब जैसे कि टाइटन को तो उसके मुंह पे मारना पड़ता है, ठीक है, उसका ट्रॉपो लेवल गिराने के लिए, बढ़ाने के लिए, सॉरी। तो इस तरफ ही थी वो। होपफुली यहाँ से कहीं गई ना हो। मुझे ये रही, ये रही, ये रही। नाइस, दिस इज इट। और इसका लेवल देखते हैं कितना है, 100 के करीब कुछ था, 100+ ही था। हाँ, 114 लेवल है इसका। शो शी इज़ ए जायंट। ओके, तो मैं क्या करूँ, मैं इसको मारना नहीं चाहूँगा। अगर मर गई, मुझे पता नहीं कितना डैमेज देता है ये कैनन। और टाइटन का तो सुना था, पर इसका कभी सुना नहीं है कि ब्रॉन्टो को आप कैनन से टेम कर सकते हो। फिर भी मैं ट्राई करूँगा। तो व्हाट विल आई डू कि मैं इसके मुंह के सामने जाता हूँ लाइक दिस, और यहाँ पर हम होल्ट कराते नहीं। इधर रुको, ए स्टॉप स्टॉप स्टॉप। देखो, एकदम मुंह के सामने आ रहा है ये। मैं से मार भी पाऊंगा कि नहीं, ट्राई तो करके देखते हैं। ओके, नाइस। ए, इस तरफ घूमने का, इस तरफ घूमने का। अरे यार, उस तरफ टर्न हो गया ये। अच्छा वाला एंगल मिला था, मस्त। सही है, अगर 2 जन अगर मिलके इसको वो करें ना, तो बहुत अच्छे तरीके से ये मार सकते हैं टाइटन को। टाइटन के लिए स्ट्रैटेजी मस्त है। व्हाट शुड आई डू, अभी ये टर्न करेगा क्या, देखते हैं। इस तरफ तो घूम रहा है, अगर इस तरफ घूम के पूरा इधर घूम जाए तो मज़ा आ जाए। नहीं, वो साला डिलोफोसॉरस डराता है हमको। बेचारे मॉसचॉप को मार रहा हूँ, उसने क्या बिगाड़ा है तो हार। हेड शॉट पड़ेगा इसको, हेड शॉट। देखो, अब उधर घूम गया है, ऐसा नहीं करने का। या फिर मुझे थोड़ा सा नीचे उड़ना पड़ेगा इसको मारने के लिए।
ये थोड़ी देर खड़ा रहता है, फिर एकदम से ये टर्न होता है, ये देखो, और हमेशा हमसे दूसरे डायरेक्शन में ही टर्न हो रहा है। इसका वैसे बॉडी डैमेज या हेड डैमेज कुछ अलग रहता नहीं है, ठीक है, तो मैं इसके बॉडी पे हमला कर रहा हूँ। बैम, 1800 का डैमेज, होली शिट। जीजीज, अभी इतने ऊपर मार पाएगा मुझे, देखते। ओ, उसको डैमेज मिल रहा है यार। नहीं 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 भाई साहब, ये गलत है, ये गलत है। नहीं, हमें कैनन का यूज़ नहीं करना है भाई, वापस लौट आओ। अब मैं एक ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पर मैं इसको ट्रैंक डार्ट मार सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा तो सा और ऊपर चलो। ओके नाइस, अब अपना ये निकालो, यहाँ से मार सकता हूँ मैं इसको, एक। और ये इतना बड़ा है कि हम मिस नहीं करेंगे, पर मिस कर दिया हमने। डैम डूड, ये ऊपर मुंडी लेकर नहीं आ सकता क्या? नहीं ला सकता। नाइस, दिस इज़ ऑसम, दिस इज़ वेरी ऑसम। ये मैं इसके हेड पे मार सकता हूँ यहाँ से, पर इसका हेड डैमेज रहता नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है। होपफुली ये स्विंग ना करे मेरे ऊपर। अब आ रहा है क्वाजल काम, और देखना कि कितना टाइम लगेगा इसको। देखो इसके ऊपर लाल दिख रहा है ये आप अगर टेम करते हो, ट्रॉपो को गिराते हो तो उससे नहीं आता है, इसको डैमेज मिल रहा है, यानी कि मर जाएगा ये। कैनन इज़ अ बैड आइडिया। मैं बॉडी पे ही मार रहा हूँ इसके, और मेरे पास 76 है अभी, और इसका डैमेज पता नहीं कितना होगा है, कितना करेगा डैमेज। नाइस, क्वाजल तो भाई अल्टीमेट है। वाओ, आई मिस्ड, गया क्या? नहीं, एक मिनट, फंसा हुआ है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मर जाएगा ये, क्योंकि 1800 का डैमेज दिया था मैंने इसको जब कैनल बॉल पड़ी थी इसको। होपफुली मरे ना ये। He's down and out. Holy shit. GG is in the chat. Nice. अब डालो इसके अंदर सारी एक्सेप्शनल किबल, ठीक है। और अब मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि आसपास कोई आए ना। कहाँ गया वो डिलोफोसॉरस जो बहुत धूम मचा रहा था? नाइस, लुक एट दिस जाइंट, होली शिट। मैं एक इसको ब्रिज बना सकता हूँ एक आइलैंड क्रॉस करने के लिए, पता है, इसके ऊपर चढ़ने का और आइलैंड क्रॉस कर देने का। अब इसको कितना टाइम लगेगा एक्सेप्शनल किबल खा के वो पता नहीं है। फिर भी इसकी हेल्थ देखो कितनी गिरा दी थी मैंने, 50% हेल्थ गिर गई थी इसकी, ऑलमोस्ट 50%। नाइस। अब मुझे बस वेट करना है कि ये इसकी जो वापस रिकवरी कितनी देर में करता है, मतलब कि टीम कितनी देर में होता है। नाइस ब्रॉन्टो, और अच्छी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये फीमेल है, सो GGWP हो गया है हमारा। नाइस, गुड जॉब, गिव मी दैट। मुझे लग ही रहा था, मैंने पहले जैसे ही मैंने ब्लड देखा ना इसके ऊपर, मेरे को लगा नहीं, ये इसको मार डालेगा, और अब वो सबसे बड़ी गलती होगी हमारी। ओके, तो मैं रॉबिन को लेके आ जाता हूँ जब तक, ठीक है। इसके आसपास मुझे थोड़ी पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि डिलोफोसॉरस घूम सकता है इसके आसपास, वैसे हमला तो नहीं करेगा, फिर भी मैं रिस्क नहीं लूँगा। ओके, देखो सबसे अच्छी चीज़ है ये, इसके ऊपर बैठ जाओ ऊपर, और उसको मारो ऊपर से ही प्लेटफॉर्म पे खड़े होके। नाइस, ये आइडिया तो गीगा के साथ भी ट्राई कर सकते हैं हम, बुरा नहीं है। पर गीगा का क्या है, गीगा की बॉडी साइज़ ब्रोंटो से छोटी है, तो वो अगर एकदम नीचे खड़ा रहेगा हमारे तो दिखाई नहीं देगा हमको गीगा, या फिर हम इसे एक टनल में, वो गीगा है ना क्या करता है उसका मतलब कि दूर से वो दूसरे जानवरों पर हमला करने लग जाता है। अगर इस आइलैंड पर रहे ना वो यहाँ पर, तो यहाँ पर कर सकते हैं हम उसको टेम अच्छे से आराम से गीगा को, इतनी विदाउट एनी प्रॉब्लम। पर उसको यहाँ तक लाना इज़ अ वेरी हेक्टिक टास्क,
ओके, ये कैनन तो हमारे मुंह पे ही घूम रही है साला, इधर ही चाहिए। ओके रॉबिन कम ऑन, वी गॉट अ न्यू ब्रोंटो, कम ऑन इन। नाइस, और मुझे इसके लिए स्कैली वाली स्किन लेकर आनी पड़ेगी, बहुत सही लगती है वो स्कैली वाली स्किन इसके ऊपर, स्केलेटन स्किन। ये वैलेंटाइन वाले पे कुछ अच्छा नहीं आया है, इन्होंने कुछ अच्छा स्किन स्किन लेकर आते। डायनासोर्स के लिए तो मज़ा आता है, प्लेयर स्किन्स में क्या मज़ा आता है, प्लेयर स्किन्स में मुझे तो मज़ा नहीं आता। मुझे डायनासोर गेम है तो डायनासोर गेम की स्किन्स, डायनासोर्स की स्किन्स लेकर आओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, अब इसको बैठाओ यहाँ पे और इनको। ओके तो देखो इसका लेवल जो है 23% हो गया है, मैंने इसके अंदर नार्को भी डाल दिया पर इसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी नहीं। थोड़ी सी मैंने मैजो बेरीज भी कलेक्ट कर ली है और रॉबिन भी इधर आ गया है, थोड़ी सी और बेरीज कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसकी हेल्थ जो है ना वो कम है अभी, तो इसको खाना खिलाना पड़ेगा मुझे। और मैं सैडल भी इसकी लेकर नहीं आया हूँ और बेरीज जितनी ले लेता हूँ। के बेरीज आ गई है, नाइस। इतना बड़ा है देखें इसकी साइज भाई साहब, जी जीज। नाइस 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 नाइस, अब बस मुझे वेट करना है कि कितनी जल्दी टीम होता है। ओके बेरीज में इसके इसमें अभी नहीं डालूँगा, इसने किबल एक किबल खाई है बस अभी तक, तो शायद 4-5 में हो जाना चाहिए। हम वेट करते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है, ठीक है। बाकी वैसे कोई डरने की ज़रूरत है नहीं, आसपास कोई भी कार्नो नहीं है, कार्नो कार्नो क्या कार्निवोरस नहीं है। Hey, hello. Okay. मेरे ख्याल से 10 मिनट लगने चाहिए इसको, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए इसको टेम होने के लिए। मैं यहीं पर ही चिल करता हूँ जब तक, और इसकी सैडल देख लेता हूँ ब्रोंटो के लिए क्या क्या लगता है। ब्रोंटो सैडल 40, 30, 350, नाइस इजी पीजी। ब्रांटो प्लेटफॉर्म सैडल्स बना सकते हैं ना, तो ये हमारा लेजेंडरी ब्रांटो रहेगा जिसके ऊपर हम हमारी प्लेटफॉर्म सैडल बना सकते हैं, एक छोटी सी बेस बिल्ड कर सकते हैं, नाइस मज़ा आएगा। तो मैं सीधे यही बनाता हूँ ना फिर, हम वो क्यों बनाएं, ब्रांटो प्लेटफॉर्म सैडल बनाएंगे। 90 मेटल्स, 125 सिलिका पोल्स, नाइस 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 नाइस, गुड 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 गुड। Come on boys, we tamed. अरे मैं उसके ऊपर ही हूँ क्या अभी भी? उसने मुझे, मैं उसके ऊपर गर्दन पे बैठा हुआ था उसके, रुक रुक उसका नाम क्या दें हम, इसका नाम देते हैं मेगा।
विद कैपिटल MGA, नाइस। ए मैं इसके अंदर ग्लिच हो गया, नहीं निकल गया, गुड। तो ये इसका लेवल हुआ है 170 लेवल हुआ है, नाइस। अब मेरे पास इसकी सैडल नहीं है, इक्विप सैडल मेरे को इसको ये ले लो, नहीं तो ये खा जाएगा सारा। इसकी हेल्थ बढ़ानी है तो सारी बेरीज जितनी भी है मैं सारे इसके इन्वेंट्री में डाल रहा हूँ, ठीक है। इसकी हेल्थ है 10,000, ओके। फूड है इसका 33,000, मतलब इसको भूख, हमारा जब तक तो गेम ख़त्म हुआ जब तक इसको भूख नहीं लगेगी, इतना तो है इसके। इसमें मूवमेंट स्पीड 100 है, मेली डैमेज 321 है, ठीक है। मुझे इसकी हेल्थ बढ़ानी है, अब हेल्थ कम से कम इसकी 25 के ऊपर लेके जानी है, ओके। तो यहाँ से अब क्या करें हम, वो इट वेट वेट वेट, इसको यहीं पर ही रोको, ओके। अब क्रायोपॉड में मैं इसको बंद करता हूँ, लेट्स प्ले सम पोकेमॉन, ओके। वन कैसे करते हैं, टन 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 टन। इसका एनिमेशन दूर से कैसा दिखता है देखें, नहीं हुआ, क्या हो रहा है, नाइस आ गया ब्रॉन्टो। अब ये इसकी इन्वेंट्री है, वो ये रहता है ना कि आप डालोगे तो सब चले जाएगा। मैं इसको भी अंदर लूँगा तो कैनन शायद टूट जाएगी और इसका सैडल निकल के आ जाएगी। तो देखें ये रहा, इसमें ब्रॉन्टो हेल्थ सब ठीक है, नाइस। अब हम इसको लेके जा सकते हैं यहाँ से, ओके। तो मैं फॉलो करवाता हूँ डायमंड को रॉबिन से, ठीक है। लेट्स गो, सीधे चलते हैं हमारी बेस पे। ओकी डोकीज, हम आ गए हमारे घर पर वापस। अब मुझे पहले तो इसके लिए जगह देखनी पड़ेगी कि कहाँ पर, पहले मैं उतार देता हूँ इनको, इन दोनों को उतरो, ओके। नाउ सेट, गुड गुड बॉय, इन्होंने बहुत मेहनत कर ली है, अब थोड़ा आराम करो यहाँ पर, ओके गुड बॉय। मैं इसका वेट ही बढ़ा रहा हूँ अभी, तो वेट हेल्थ मुझे बढ़ानी है क्योंकि 4,000 बहुत कम हेल्थ है इसकी। कैनन बॉल्स भी इसके इन्वेंट्री में ही रखी हुई है, मेरे पास है क्या और कैनन, एक कैनन बॉल रखी हुई है, मैं इसके इसमें डाल देता हूँ। कैनन बॉल की बिल बच गई हमारी काफ़ी, नाइस नाइस नाइस। अब हम हमारी बेस पे आ गए हैं और शायद हाँ शाम होने वाली है, ओके। तो मैं अपने ब्रॉन्टो को निकालता हूँ अभी, वो थोड़ा सा फ्रीजिंग स्टेट में होगा, पर उसके लिए मुझे जगह ढूंढनी है, तो यहाँ पर मैं स्पॉन कराता हूँ इसको। ये सबसे मस्त जगह है क्योंकि अभी हमारे गीगास आउट ऑफ टाउन है, तो हम यहाँ पर स्पॉन कराएंगे इनको। लेट्स, आई चूज यू ब्रॉन्टी, इसका नाम क्या है, आई चूज यू मेगा टन टन। नहीं कैसे करते हैं, अरे ऊप्स ये वाला नहीं था, दिस वन, सॉरी। आई चूज यू मेगा, कैसे करते हैं, नहीं इसको बाहर कैसे निकालते हैं, मैं भूल गया वापस। होल्ड अप टू द क्रीचर, थ्रो इट टू डिप्लॉय, ओके। कैसे फेंकूं, ओह नाइस, होली शिट, दिस इज आवर मेगा। अभी ये देखो, अभी अभी स्लीपिंग स्टेट में है, ठीक है। तो इसको अभी हम कुछ छेड़ा खानी नहीं करेंगे, इसकी मैं हेल्थ बढ़ा रहा हूँ। लुक एट दिस जायंट,
होली स्मोक्स, मेरी स्क्रीन में भी नहीं समा पाता ये इतना बड़ा है। मैंने फुल अल्ट टैब अल्ट करके रखा है सेल्फी कैम, फिर भी इसकी पूंछ बाहर जाती है, कभी मुंडी बाहर जाती है, ऐसे करना पड़ता है, पर एक ग्लिच होता है इधर से। ये देखो है ना ये जायंट, नाइस, दिस इज़ आवर मेगा। मेगा फीमेल वो सबसे अच्छी चीज़ है, ये फीमेल है ठीक है। वो मैं इसको खाना वापस दे देता हूँ जो मैंने लिया था इससे, टेक योर फूड ठीक है। अब इसको टाइम लगेगा, कट 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 कट, नाइस। क्या मैं इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ? लिया, ए कम ऑन लेट मी, शिट नहीं चढ़ सकते, सैड। ओके तो हमने हमारा फर्स्ट नहीं सेकंड हाई लेवल ब्रोंटो टेम कर लिया है। ये रहा हमारे पीछे, ओके दिस इज़ द डूड यू आर लुकिंग फॉर। और अब मुझे इसके ऊपर प्लेटफॉर्म सेडल लगानी है जो कि मेटल वाली जैसी हमने क्वार्ट्ज़ेल के ऊपर लगाई थी। और मैं शुरू में सोच के गया था कि मैं इसको कैनन से मार पाऊँगा, नॉकडाउन कर पाऊँगा, पर वो गलत डिसीजन था मेरा। और जैसे ही मैंने उसको फर्स्ट मारा तो मुझे पता चल गया कि नहीं, दिस इज़ एन बैड आइडिया। और अच्छा हुआ मैंने फिर ऊपर क्वार्ट्ज़ेल के ऊपर बैठ के प्लेटफॉर्म से मैंने इसको शॉक डार्ट्स मारे, तो कितने लगे होंगे, 20 से भी कम लगे होंगे। और उतने में गिर गया था क्योंकि इसकी हेल्थ भी आधी हो चुकी थी ना, हमने फर्स्ट कैनन जब इसे मारी तब। ठीक है, दिस इज़ ह्यूज। मेरे को इसके और डिप्लोडोकस के बीच में साइज़ कंपेरिजन करना है कितना बड़ा दिखता है। ओके ऑलराइडी एवरीवन, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में आर्क सर्वाइवल वर्ल्ड के। और नेक्स्ट एपिसोड में हम इसकी सैडल बनाएंगे, प्लेटफॉर्म सैडल, और फिर थोड़ा सा इसका लेवल अप करके इससे थोड़े से हम बेरीज कलेक्ट करवाएंगे क्योंकि ये बेरी कलेक्टर है मस्त वाला, इसका मेली डैमेज भी मुझे बढ़ाना है। ओके तो सी ऑल गाइस नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी या।